हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बैटल ऑफ बंगाल आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कश्मीरी गेट के ISPT बस अड्डे पर आग लग गई है। आग बस अड्डे के छठे फ्लोर पर लगी है। आग बुझाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। अबे पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अबे, जो जानकारी मिल रही है, छठे फ्लोर पर आग लगी है, और क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक छठे फ्लोर पर AC में आग लगी और उससे ये आग फैलने की खबर है, क्योंकि बस अड्डा है ये, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। यहाँ पर तमाम तरह की जो बसें हैं जो अलग अलग राज्यों में जाती हैं वो यहाँ पर होते हैं, इस वजह से काफी ज्यादा यात्रियों की भीड़ यहाँ पर होती है। इसी वजह से एहतियात के तौर पर फिलहाल बस अड्डे को खाली भी वहां से कराया जा रहा है, जो लोग वहां पर हैं, और साथ ही 9 दमकल की गाड़ियां फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन छठे फ्लोर पर किस चीज का ऑफिस है, वहां पर कौन लोग बैठे थे, ये तमाम जानकारियां भी जुटाई जा रही है। बिल्कुल, और आप जहां तक छठे फ्लोर का ताल्लुक है वहां पर जाहिर बात है एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता होगा, क्योंकि बस अड्डे से रिलेटेड सारा काम तो वो फर्स्ट फ्लोर पर होता है शायद। देखिए बिल्कुल, छठे फ्लोर पर यही जानकारी मिल रही है कि वहां पर कुछ दफ्तर है जहां पर तमाम कागजात या जो स्टोर रूम होता है उस तरीके का वहां पर दफ्तर है। हालांकि वहां पर कौन लोग उस वक्त मौजूद थे ये अभी जांच का विषय है। फिलहाल 9 गाड़ियां दमकल की मौके पर है और एहतियात के तौर पर बस अड्डे के आसपास की जो जगह है और जहां पर बसों की एंट्री एग्जिट होती है उसे अभी फिलहाल रोका गया है और आग बुझाने का काम जारी है। तो क्या ये आप कह पाएंगे कि स्थिति अभी फिलहाल नियंत्रण में है या अभी भी आग लगी हुई है? देखिए आग अभी लगी हुई है क्योंकि थोड़ी देर पहले दमकल विभाग के कॉल मिली कि छठा फ्लोर जो है AC जो बस अड्डे का उसमें AC में से आग निकलती हुई नजर आई है, उसके बाद वो आग थोड़ी बड़ी हुई। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की कोई खबर नहीं है, आग पर काबू पाया जा रहा है, तो स्थिति जो है अभी कंट्रोल में है और थोड़ी और देर में जब दमकल विभाग के अधिकारी और ज्यादा पुख्ता जानकारी दे पाएंगे। और साथ में अगर देखा जाए अबे, बस अड्डे के बिल्कुल साथ कनेक्टिंग मेट्रो स्टेशन भी है बड़ा वाला। देखिए मेट्रो को लेकर हालांकि इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि मेट्रो पर किसी तरह का कोई असर इस आग को लेकर पड़ा है, क्योंकि आग जो है वो छठे फ्लोर पर बताई जा रही है और जहां पर ये बस अड्डा है उससे मेट्रो लाइन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो मेट्रो पे किसी तरह का असर नहीं है। हालांकि बस अड्डे को लेकर अभी तक ये खबर मिल रही है कि स्थिति कंट्रोल में है और दमकल की जो तमाम गाड़ियां हैं। चलिए आप नजर बनाए रखें, जैसे ही आपके पास कुछ और ताजा अपडेट आए हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभय पराशर बता रहे थे कि छठे फ्लोर पर बस अड्डे जो कश्मीर गेट पर है वहां पर छठे फ्लोर पर आग लगी है, 9 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं और AC की वजह से ये आग लगी है जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।